सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, हेलो। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ह्यूमन राइट्स ऑफ वुमेन अंडर ह्यूमन राइट्स ऑफ वुमेन। देखिए, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इसने अडॉप्ट किया एक डिक्लेरेशन को ताकि ये एलिमिनेट कर सके किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन को अगेंस्ट द वुमेन। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी प्रिंसिपल सेट आउट कर रखे थे डिक्लेरेशन के अंदर, एक कन्वेंशन लेके आए गए ताकि ये एलिमिनेट कर सकें किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन को अगेंस्ट द वुमेन, और जो कि अडॉप्ट की गई बाय द जनरल असेंबली ऑन दिसंबर 18, 1979 के अंदर। एंड आफ्टर द 5 ईयर्स, 5 साल बाद जब इनकी कंसल्टेशन होती है विद द कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ द वुमेन, जो कन्वेंशन है इसको ऑफिशियली नाम दिया जाता है इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, जो कि 1981 के अंदर लागू होती है। 2016 के अंदर जो कन्वेंशन थी इसकी 189 स्टेट पार्टीज थी। प्रीएम्बल ऑफ द कन्वेंशन, देखिए जो प्रीएम्बल है कन्वेंशन का, ये एक्सप्लेन करता है अबाउट एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। कहते हैं कि भी बेशक नेशन के अंदर कितने ही इंस्ट्रूमेंट्स हो, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि एजेंसीज जो सिक्योर करेंगी वुमेन राइट्स को। कहते हैं बेशक कितने ही हो ये, फिर भी वुमेन्स के पास इक्वल राइट्स नहीं है विद मेन, और जो डिस्क्रिमिनेशन है वो सोसाइटी के अंदर अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, प्रिवेल कर रही है। सो आर्टिकल 1 जो है इस कन्वेंशन का, ये डिफाइन करता है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन को। कहते हैं भी किसी भी तरह का डिफरेंशिएट करना, एक्सक्लूड करना, उसे रिस्ट्रिक्ट करना जस्ट बिकॉज शी इज अ फीमेल। आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि भी आप स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, आप उसे एक्सक्लूड कर रहे हैं कि भी आप आर्मी में नहीं जा सकते, आप इसे एक्सक्लूड कर रहे हैं कि भी आप सिर्फ शादी करिए और जाइए, आपका पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, आप उसे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज शी इज अ फीमेल। और जिसकी वजह से उसकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ रहा है, उसके पर्पस जो है वो यही है कि भी हम डैमेज कर सकें, इनवैलिडेट कर सकें उसकी रिकॉग्निशन को, उसके इंजॉयमेंट ऑफ राइट को, एक्सरसाइज को, जो भी वो कर रही है। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ हर मैरिटल स्टेटस on the basis of equality of man and woman, जो human rights and fundamental freedoms हैं in the political, economic, social, cultural, civil or any other field, जहां पर उसे discriminate किया जाएगा वो violative होगा उसके rights का। So यहां पर ये define कर रखा है article 1 में कि discrimination against woman होता क्या है। So जो convention part 3 है ये lay down करती है कि जो states हैं इनको mandate किया गया है कि भी वो steps ले ताकि वो eliminate कर सके discrimination against woman को। देखिए, जो पार्ट 3 के अंदर स्टेट को मैंडेट कर रखा था कि भी वो डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करे अगेंस्ट द वुमेन, तो वो कौन से ग्राउंड्स है जहां पर डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करना है? वो ग्राउंड्स है जैसे कि एजुकेशन, एजुकेशन के मामले में उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, एम्प्लॉयमेंट के मामले में उसके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, हेल्थ केयर के मामले में उसके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ जो है उसमें कोई भेदभाव ना किया जाए। मतलब इस सब के लिए रिफॉर्म्स लेके आ जाए, कुछ नया लेके आ जाए जहां पर वुमेन्स को यूं हो कि भी हाँ, हम भी मैन के इक्वल हैं, हमारे पास भी अधिकार हैं, हम दबे कुचले नहीं है। सो जो वुमेन है रूरल एरियाज की, जैसे कि गांव की लेडीज होगी जो, उनके लिए भी वहां पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन ना, वहां पर भी रिफॉर्म्स लेके आ जाए। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि भी लॉ के सामने भी सभी सामान्य हो, वुमेन भी और मैन भी। मैरिज एंड फैमिली रिलेशन, वो अपनी चॉइस की मैरिज कर सके और अपने चॉइस का फैमिली रिलेशन बना सके किसी के साथ भी। तो ये वुमेन्स के राइट है, उनको अंडर कंट्रोल ना रखा जाए किसी प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। इन चीजों के लिए हमें रिफॉर्म्स, बदलाव लेके आने चाहिए। जो उसकी चॉइस है, जो उसकी डिजायर्स है, उसे वो करने देना चाहिए। स्टेट ने एग्री किया कि भी वो हर एक तरह के एप्रोप्रिएट मींस को यूज करेगा एलिमिनेट करने के लिए डिस्क्रिमिनेशन को अगेंस्ट द वुमेन। अब जो स्टेटस ऑफ वुमेन है इंडिया के अंदर, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करता है वुमेन को अंडर आर्टिकल 14, जो कि बात करता है इक्वलिटी की, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, दोनों मैन एंड वुमेन को मिलने चाहिए। आर्टिकल 15 कहता है कि भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 कहता है कि भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए मैन एंड वुमेन के बीच में रिगार्ड टू द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और जो आर्टिकल 15 क्लोज 3 है, ये कहता है कि भी स्टेट जो है उसको मैंडेट कर रखा है यहाँ पर कि भी स्टेट स्पेशल प्रोविजंस बनाए फॉर वुमेन। माया देवी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में कुछ ऐसा हुआ कि भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी कि भी जो वुमेन है वो अपने हस्बैंड से मंजूरी ले पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए, अगर उसने जॉब करनी है तो
तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है इसने इस चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और कहा कि भी दिस इज अगेंस्ट द राइट ऑफ वुमेन। कुछ ऐसी ही स्थिति है हमारे देश की नारी की। आप पिक्चर तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं कि भी कैसी स्थिति है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल इफ यू फाइंड इट यूजफुल।